3000 सीरीज के हाई एंड ग्राफिक कार्ड रेडी टू लॉन्च है। 3080, 3080 सुपर एंड 3080 Ti इस मंथ के एंड में या फिर सितंबर में ये लॉन्च हो जाएंगे। 3060 एंड 3070 सीरीज के जो है वो नेक्स्ट ईयर 21 में आएंगे। सो जानते हैं इनके नए फीचर्स, प्राइस, लॉन्च डेट एंड कितने बेटर है रीसेंट RTX 20 सीरीज से। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आई एम योर होस्ट साहिल एंड यू आर वाचिंग हीटर। आप में से 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो लोग जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप में से 100 लोगों को मिलेगी विंडो 10 की जेन्युइन की फ्री में। रिटेल की ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करें। सो RTX 3000 सीरीज न्यू एम्पायर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होगी, जो कि NVIDIA के सुपर कंप्यूटर DGX A100 पे पहली बार हो रहा है, और ये सारे के सारे ग्राफिक कार्ड 7nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगे। RTX 3080 में 10GB VRAM का मॉडल होगा, और ये 3080 Ti तक 20GB या 24GB भी हो सकता है, मे बी। इसमें 90GBPS GDDR6X मेमोरी एंड इसी के साथ 320 bit पे ये बेस्ड होंगे, और साथ ही साथ 7nm आर्किटेक्चर तो होगा ही, साथ ही इसके अंदर 760GBPS के बैंडविड्थ होंगे, और इनकी फ्रिक्वेंसी होगी आई थिंक 4750। NVIDIA ने अनाउंस किया है कि बिग नावी किलर भी आने वाला है, मे बी 3090 होगा वो, आई एम प्रीटी श्योर। साथ ही साथ अगर रीसेंट RTX 20 सीरीज से मैं इसको कंपेयर करूँ तो 53% फास्ट होंगे, यानी कि 53% ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी। इसी के साथ 2080 Ti में 4K में आपको 60fps मिले थे, बट इन ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको 90-100fps मिलेंगे 4K गेमिंग में फुल हाई सेटिंग्स पे। इस महीने के एंड में या फिर सितंबर के स्टार्ट में ये कार्ड लॉन्च होने वाले हैं, बट जैसे ही ये कार्ड लॉन्च हो जाएंगे तो आपको इस चैनल पर एक पूरी वीडियो मिलेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये थे इसके फीचर्स, लीक्स एंड पिछली सीरीज से ये काफ़ी अच्छे हैं ये कार्ड। और इसके अंदर खास बात, जो एम्पायर आर्किटेक्चर है जो फर्स्ट टाइम इन्होंने किया है, इसको देखेंगे कि ये कितना रेट्रेसिंग को इंक्रीज कर पाता है, रेट्रेसिंग कितनी इम्प्रूव हो पाती है, जो परफॉर्मेंस है वो हमको बेटर मिल सकती है, बोटल नेक वगैरह का इशू होगा या नहीं होगा वो तो कार्ड आने के बाद ही पता चल सकेगा। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, एंड कमेंट कर दीजिए आप इन ग्राफिक कार्ड के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप RTX सीरीज़ का लेने वाले हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए आप रुक जाइए, क्योंकि 30 सीरीज़ अभी थोड़े ही दिनों में आ जाएगी, बस आप इंतज़ार कीजिए। साथ ही साथ जो 20 सीरीज़ है उनमें प्राइस ड्रॉप आएगा 30-40% का, तो भी आप रुक जाइए अगर आपको 30 सीरीज़ बाय नहीं करनी है फिर भी। सो यही थी आज की वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।